2023 में कन्या राशि वालों की प्रेम से जिंदगी बदलने वाली है। जूनागढ़ और गिरनारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। वैदिक साधना में आपका फिर से स्वागत है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का वीडियो खास तौर पर बनाया है। दोस्तों, आप ऐसे राशि के जातक हैं जो प्रेम के मामले में बड़े ही सुलझे हुए समझदार व्यक्ति होते हैं। आप अपने दाम्पत्य जीवन प्रेम जीवन में दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन अपने जीवन साथी या प्रेमी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार भी रहते हैं। यही वजह है कि आपका रिश्ता अपने जीवन साथी के साथ मजबूत होता है, आपका प्रेम भी सफल होता है। लेकिन कई बार आपकी मैरिड लव लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आने लगती है, जिसकी वजह आपको शायद समझ नहीं आती है। दोस्तों, ऐसा ग्रहों की चाल के कारण होता है। आपकी कुंडली में वह कैसी स्थिति में है, इस कारण भी आपका दाम्पत्य प्रेम जीवन मुश्किलों में आ जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ज्योतिष की दृष्टि से यह साल आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहेगा, क्या आपकी शादी की योग बनेगी या नहीं, लव मैरिज होगी या अरेंज, और जीवन साथी के साथ रिश्ता कैसा रहेगा। ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए और अपने भविष्य के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि मैंने कई बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की है और वह हमेशा 100% सच भी हुई है। जब सूर्य परिवर्तन हुआ था, तब मैंने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि 14 जनवरी से पहले देश में रहस्यमय घटनाएं घटित होगी जो नुकसान की संभावनाओं को जन्म देगी। अभी आप देख ही रहे हैं कि उत्तराखंड के जोशी मठ में जो भयानक रहस्यमय घटनाएं हो रही है, वह मेरी भविष्यवाणी को 100% सही साबित कर रही है। आप चाहे तो वह वीडियो ऊपर क्लिक करके देख भी सकते है। तो आइए अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि साल 2023 आपकी मेरे लाइफ और लव लाइफ में क्या चेंज लेकर आया है। साल की शुरुआत में ही जब शनि देव ने राशि परिवर्तन किया था, तो वह कन्या राशि यानी आपकी कुंडली के छठे घर में आ गए थे। छठे घर से शनि की दृष्टि आपके तीसरे घर पर भी पड़ रही थी। यह स्थान रिश्तों और दाम्पत्य से जुड़ा होता है। इस कंडीशन के बनने के कारण मैं आपको सचेत करना चाहूंगा, क्योंकि शनि की दृष्टि के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ छोटी छोटी समस्याएं आ सकती है, दिक्कतें आ सकती है, छोटी और बेमतलब की बातों पर जीवन साथी से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपना बिहेवियर ठीक रखें, अपनी बातों पर कंट्रोल करें, बिना सोचे समझे पार्टनर को कुछ भी ना कह दे। हो सकता है कि आपकी मामूली बात जीवन साथी के मन में गहरे उतर जाए और वह आपसे नाराज हो जाए। दोस्तों, अगर आपके जीवन साथी से बहस या झगड़ा हो भी जाता है, तो उसे प्यार से मिलकर सुलझाए। किसी बाहरी शख्स को रिश्ते में सुलह के लिए शामिल न करें, इससे बात और बिगड़ सकती है। आपको बस रिश्ते में सब्र करना है, क्योंकि साल के आखिर तक आते आते आपका दाम्पत्य जीवन फिर खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, जहां शनि के कारण आपको दाम्पत्य जीवन में समस्या आएगी, वही देव गुरु बृहस्पति आपके रिश्ते में समस्याओं को भी दूर कर देंगे। बृहस्पति 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, इससे पहले तक वह आपके लिए फलदायी साबित होंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में गुरु का सकारात्मक असर होगा, जीवन साथी से सभी मनमुटाव दूर हो जाएंगे। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, साल के शुरुआती महीनों में आपके जीवन साथी की सेहत पर बुरा असर भी हो सकता है। ऐसा बृहस्पति और राहु की युति बनने के कारण होगा। इससे में आपको लाइफ पार्टनर का पूरा साथ देना है, बीमारी से देखभाल करनी है। जब आप मुश्किल समय में अपने जीवन साथी के साथ खड़े रहेंगे, तो आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा, लाभ होगा, जीवन सुखमय बन जाएगा। लाइफ पार्टनर भी आपके इस व्यवहार को कभी नहीं भूल पाएगा। जीवन साथी के मन में आपके लिए अपने रिश्ते के लिए प्यार और सम्मान और बढ़ जाएगा। यह तो मैरिड कपल्स की बात रही, अब अविवाहित जोड़ों की बात करते हैं। दोस्तों, आपकी अब तक शादी नहीं हुई है, तो आपके लिए खुशी की खबर है। गुरु बृहस्पति के कारण आपकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं जो शादी होने में आपकी पूर्ण रूप से मदद करेंगे। इस साल के शुरुआती 4 महीनों में आपकी शादी हो सकती है।
आप अगर लव मैरिज लंबे समय से करना चाहते थे लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ रही थी तो वह भी दूर हो सकती है। आपकी अपने लव पार्टनर से शादी इस साल होकर ही रहेगी। आपकी मैरिड लाइफ शुरू होगी और आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ वेकेशन पर भी इस साल खूब जाएंगे। वही आप सिंगल है और किसी को पसंद करते हैं तो उसे अपने मन की बात कह सकते हैं, क्योंकि इस साल आपका लव रिलेशनशिप भी शुरू हो सकता है। आपकी जिंदगी भी प्यार की पॉजिटिविटी से बढ़ने वाली है। प्यार का गुलाबी रंग आपके मन को भी रंगने वाला है। आप अगर कन्या राशि के वह जातक है जो लंबे समय से लव रिलेशनशिप में है तो इस साल भी लव रिलेशनशिप में रहेंगे। आपकी लव लाइफ भी इस साल ठीक रहेगी। शुक्र ग्रह आपकी कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे, इस कारण आप लव पार्टनर को पूरा सपोर्ट करेंगे। लव पार्टनर भी आपके सपनों को पूरा करने में मददगार बनेगा। हो सकता है कि कभी कभार आपके बीच मन मुटाव हो लेकिन वह जल्द ही दूर भी हो जाएगा। इसके अलावा आपके लव पार्टनर को नौकरी या बिजनेस की वजह से लंबे वक्त के लिए बाहर भी जाना पड़ सकता है। इस वजह से आपको एक लंबा समय एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा। यह दूरी आपको परेशान करेगी लेकिन आप लव पार्टनर की मजबूरी को समझेंगे भी और उसकी तरक्की की राह में समस्या नहीं बनेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहकर भी अपने रिश्ते को मजबूत और प्यार से भरा बनाए रख पाएंगे। इस दौरान आपको अपने पार्टनर की कमी महसूस होगी, अकेलापन महसूस होगा। पार्टनर को भी आपकी यह मायूसी अच्छी नहीं लगेगी लेकिन आपको अपने पार्टनर से दूर रहकर इस कठिन दौर को पार करना होगा, क्योंकि इस मुश्किल वक्त के बाद अच्छा समय आपकी लव लाइफ में आएगा। प्यार की बारिश आप पर फिर होकर रहेगी क्योंकि साल के आखिर तक आकर आप अपने लव पार्टनर से मिल पाएंगे, फिर से एक हो पाएंगे। आपका लव पार्टनर करियर में सफलता पाकर आपके पास लौट आएगा। इसके बाद आप एक हैप्पी लव लाइफ को लीड करेंगे। इसके अलावा जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि हम सब की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो किसी व्यक्ति को सफल बना देते हैं, ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं, तो कई ऐसे दुर्योग भी है जो व्यक्ति को बहुत मेहनत के बाद भी सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। आप देख रहे थे कन्या राशि प्रेम राशि फल 2023।